All right, so hello everyone and welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I'm your biology mentor. In this particular video, we are going to talk about the all important examples of plant kingdom that are given in NCERT. So we will be targeting the examples of algae and we will be targeting all the classes of algae that are given in NCERT book. That is green algae, brown algae and red algae. It means that we are going to target the chlorophyce, phyophyce and rhodophyce in this particular video. After that, we will be talking about the examples of bryophyte and then we will be talking about the examples of pteridophyte and gymnosperms, because for angiosperms we do have specific chapters: morphology of flowering plants, anatomy of flowering plants and sexual reproduction in flowering plants, where we specifically talks about the angiosperms. So unki hum log wahan par detail mein baat kar sakte hain, detailed analysis hum log unke sare examples ka kar sakte hain. तो आज एग्जांपल्स को 5 मिनट के अंदर आपकी टिप्स पे करवा दूंगा. दैट इज अ श्योरिटी. प्लीज मेक श्योर टू राइट डाउन दिस स्मॉल निमोनिक्स इन योर एनसीईआरटी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड कंसेप्चुलाइज देम फॉर द नेक्स्ट टाइम जब भी आप इन्हें पढ़ेंगे. सो गाइज, अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए. मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है ओजोन क्लासेस. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम देन यू कैन फॉलो मी अप ऑन द इंस्टाग्राम हैंडल ऑफ माइन, दैट इज विपिन शर्मा बायोलॉजी. और हमारा एक और चैनल है यूट्यूब पर जिसका नाम है ओजोन क्लासेस 2.0, जिसपे टॉपर के इंटरव्यूज आने वाले हैं. काफी सारे कॉलेजेस का रिव्यूज आएंगे इसके ऊपर और हम काफी अलग अलग कोर्सेज के बारे में बात करेंगे रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी. सो इट विल रियली गोना बी हेल्पफुल अगर आप बायोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यू कैन सब्सक्राइब टू दैट चैनल एज वेल. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. Okay, so all the examples of plant kingdom are mentioned over here. The very first thing that we need to consider is algae. And in algae, हम सबसे पहले green color से लिखे हुए green algae के बारे में बात करेंगे, यानी हम लोग chlorophyce के बारे में बात करेंगे. So chlorophyce के 5 important examples आपकी NCERT में बताए गए हैं. So what are those 5 important examples? उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. पहला जो example है that is classy car SUV. इससे आपको 5 एग्जांपल याद हो जाएंगे. क्लासी कार एसयूवी, यानी एक ऐसी कार है जो कि बहुत क्लासी दिख रही है एंड इट इज एन एसयूवी कार जो कि बेसिकली आपकी ग्रीन कलर की है. राइट, जो कि आपका ग्रीन कलर की है. सो हम इसके ऊपर ग्रीन कलर कर देंगे जिसके बाद हमें पता लग जाएगा कि ये आपकी ग्रीन कलर की क्लासी एसयूवी कार है. क्लासी, एज द प्रोनंसिएशन इंडिकेट्स, क्ला सिंपली मीन्स इट्स क्लामाइडोमोनास. क्लामाइडोमोनास, क्ला का साउंड आ रहा है यहां पे क्लासी वाला, तो ये क्लामाइडोमोनास हो जाएगा. कार, कार में किस चीज का साउंड आ रहा है? कारा. सिर्फ कार के आगे आपको ए लगाना है, आपका एग्जांपल सॉर्ट हो जाएगा. एंड एसयूवी में आपके एस का मतलब है स्पायरोगायरा. ओके, स्पायरोगायरा. यू का मतलब है योर यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स. एंड वी का मतलब है आपका वॉलबॉक्स, दैट इज अ कॉलोनियल ग्रीन एल्गी. ये हो जाएगा आपका वॉलबॉक्स. ब्राउन एल्गी, जो कि मैंने यहां पर ब्राउन कलर से लिखा है, तो यहां पर ब्राउन कलर का हम एक डमी फोन बना रहे हैं. डमी फोन वो होते हैं जो कि आपको यूजुअली दिखाए जाते हैं, टेस्ट कराए जाते हैं बिफोर यू परचेज एनी काइंड ऑफ फोन. सो दिस इज अ डमी फोन ऑफ ब्राउन कलर जिसमें एक लड़की सेल्फी ले रही है. सो व्हाट इज द ट्रिक? बेसिकली ब्राउन डमी सेल्फी. इट मीन्स दैट अ गर्ल इज टेकिंग सेल्फी ऑन अ डमी फोन विच इज ऑफ ब्राउन कलर. सो ब्राउन सिंपली मीन्स ब्राउन एल्गी, जिसके लिए ट्रिक बनाई गई है. डमी में आपका डी आता है, दैट सिंपली मीन्स डिक्टयोटा. ओके, इट सिंपली मीन्स डिक्टयोटा. एंड इन सेल्फी देर आर 4 अल्फाबेट्स, एस ई एल एंड एफ. सो ऑल 4 अल्फाबेट्स स्टैंड फॉर देयर रेस्पेक्टिव एग्जाम्पल. सो एस सिंपली स्टैंड्स फॉर सार्गासम ओवर हियर, सार्गासम. ई सिंपली स्टैंड्स फॉर एक्टोकार्पस. ओके, एल सिंपली मीन्स फॉर लैमिनेरिया. आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम यू गाइस, सो विल श्योरली बी डिस्कसिंग अबाउट योर कमेंट्स आफ्टर अ फ्यू टाइम, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स. एंड एफ सिंपली मीन्स फ्यूकस. यू कैन ऑल्सो लर्न दिस पर्टिकुलर थिंग वाया सेल्फ डिफेंस. इन सेल्फ देर आर 4 अल्फाबेट, एस ई एल एफ, दैट इज योर सार्गासम, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया एंड फ्यूकस. एंड डिफेंस सिंपली मीन्स डी, दैट इज योर डिक्टयोटा. Okay, these are the 5 major examples given in NCERT of brown algae. Now, red algae or the rhodophyce. Okay, in rhodophyce, there is a red colored PG. Okay,
red colored PG which is present over here. So you can just imagine a PG of red color. So the example is PG. This is porphyra. Okay, then your polysiphonia. Then G simply means your gelidium. And your gracilaria, which used to form agar. So, gelidium and gracilaria are your important examples for the red algae. So, the examples are PG, that is porphyra and polysiphonia. Then GG simply means your gelidium and gracilaria that used to form agar. After that, the next examples are of bryophyta. Bryophyta, which are the amphibians of plant kingdom, they have some important examples. Now, what is the trick? SP march funnily. It means that the SP or the superintendent of police is marching, is doing the march. Wo parade kar rahe hain, lekin funny way mein, yani apne manmauji andaaz mein. So here, SP stands for sphagnum, which forms the peat, sphagnum, jo ki aapka transshipment material mein use hota hai, peat ki tarah kaam kiya jata hai, kaam mein aata hai. P simply means polytrichum. March, as the name indicates, it will be Markensia. So March is directly incorporated into this name. Funnily, simply means Funaria. So starting three alphabets are going to be same, Funaria. So these are the four major examples that are given in NCRT of bryophyte. Okay, SP, March, Funnily, that is Sphagnum, Polytrichum, Markensia and Funaria. Okay, Prayas batch lecture is going to come after a few hours. It will be coming today and it will be going to it will surely be going to be live. Okay, you don't have to worry, guys. You don't have to worry. I have already planned something for you, so please don't say this. Yeah, don't think about you. Aisa nahi hai mere dost, thoda late aayega lecture, lekin aayega, because aaj subah se mere 5 lectures ho chuke hain, 1.5 ghante ke. So thoda sa aapko intezar karna padega, lekin aaj lecture aapko milega Prayas ka. Then आपका टेरिडोफाइट. सो टेरिडोफाइट में नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि यहां पर है साइलोप्सिडा. सो साइलोप्सिडा में साइलो आएगा, साइलोटम में भी साइलो आएगा, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली सेम नाम है. लाइकोप्सिडा, अब लाइकोप्सिडा में लाइको आया और यहां पर क्या हुआ आपका लाइकोपोडियम में भी लाइको आ गया. और इसके साथ साथ आएगा सेलाजिनेला, विच कैन बी मेमोराइज बाई लाइफ साइंसेज और द LS. LS सिंपली मीन्स लाइकोप्सिडा में आएगा आपका सेलाजिनेला. सो LS से आप याद कर सकते हैं. स्फेनोप्सिडा, अब स्फेनोप्सिडा में क्या आएगा आपका इक्विसेटम. ओके, इक्विसेटम में भी आपका एस एंड ई आर इन कॉन्जिक्यूटिव पोजिशन. सो स्फेनोप्सिडा इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ टेरिडोफाइटा, जिसमें एग्जाम्पल आएगा आपका इक्विसेटम. नाउ टेरोप्सिडा, तो टेरो, तो इसमें टेरिस आ जाएगा और इसमें ड्रायोटेरिस आ जाएगा. एडियांटम आपको सिर्फ याद करना है. ओके, एडियांटम आपको याद करना है, विच कैन बी इजिली मेमोराइज बाय पैड. Here P for Pteropsida, okay, and AD simply means adiantum. So you need to understand two words only. First is LS, it means that Lycopsida will be containing Selaginella, and PAD simply means Pteropsida will be containing AD, that is adiantum. After that, gymnosperms, okay, gymnosperm having naked seed. यहाँ पर क्या है, एक लड़का cycle सीख रहा है, and cycle किससे सीख रहा है, Pintu नाम के लड़के से. So Pintu नाम के लड़के से वो cycle सीख रहा था और वो गिर गया. सो वट इज द सेंटेंस, गिरा पिंटू से साइकिल सीखकर, यानी पिंटू से कोई साइकिल सीख रहा था और वो गिर गया. सो गिरा पिंटू से साइकिल सीखकर, दिस पर्टिकुलर सेंटेंस में गिरा इज योर लिविंग फॉसिल कॉल्ड एज गिंगो बाइलोबा, क्लियरली गिवन इन एनसीईआरटी विद अ डायग्राम, ओके, विद अ फिगर. पिंटू, PIN, दैट सिंपली मीन्स पाइनस. ओके, पिन फॉर पाइनस. से सिंपली मीन्स सेड्रस, से सिंपली मीन्स सेड्रस. साइकिल सिंपली मीन्स साइकस, सो CYC इज एग्जैक्टली द सेम. ओके, एंड सीख कर, एज फॉर सिकोया गाइगेंटिका, दैट इज द टॉलेस्ट ट्री ऑफ जिम्नोस्पर्म. ओके, सो इन जिम्नोस्पर्म गिरा पिंटू से साइकिल सीखकर, दैट इज गिंगो बाइलोबा, पाइनस, सेड्रस, साइकस एंड सिकोया. सो लेट अस रिवाइज ऑल दीज एग्जाम्पल्स एटलीस्ट वंस, सो दैट वी कैन इजिली मेमोराइज देम अप. So in algae, there is green algae, classicar, SUV, that is Chlamydomonas, cara, and SUV simply means Spirogyra, Eulothrix, and Volvox. Brown algae, brown dummy, selfie, or self-defense,
SELF simply stands for your sargassum, ectocarpus laminaria and fucus, and dummy simply means dictyota, D for dictyota. Red algae PGPG, Porphyra polysiphonia, Gelidium and Gracilaria. Bryophyta SP marsh funnily, S means sphagnum, which also works as peat. P for polytrichum, marsh for Markentia, funnily means funaria. Pteridophyta, all the things are common, you just have to memorize two words, LS that is life science, where Lycopsida will be containing Selaginella and Pteropsida will be containing Adiantum. And then gymnosperms, Gira pintuse cycle seeker simply means Gingko biloba, Pinus, Cedrus, Cycas and Sequoia, which is the tallest tree of gymnosperms. Alright, so if you really got this video up, then you can share this video with your friends and you can subscribe to our channel for more amazing content like this. Alright, so I also wanted to know that how many students are watching me live. So there are more than 200 students and I am really obliged to see that a lot of students are here even on a small notice, even without a notice to be honest. So thank you so much guys for being here and we will surely be uploading organic chemistry lectures very soon. Currently I am going to make a DPP today and I am also making a lecture for Prayas batch. Okay, for Prayas batch I already got quota's content, so in Prayas batch I will be teaching you quota content specifically. Okay, so earlier we have made some Prayas batch videos for Living World which are very good, but still I want to improvise. So from you know next chapters I'll be moving in a great way and I'll be teaching you great appreciable content for sure. All right, thank you so much guys, lots of love. Prayas batch aap jaisa bole, aap bologe live main live padha dunga, aap bologe recorded main recorded padha dunga, aapki jaisi ichcha, kyunki main zyada chat karne mein time waste nahi karta, to mera live bhi aapko baad mein recorded jaisa mil jayega, aapka zyada time waste nahi hoga. Okay, dhanyawad guys, jai hind, milta hu agle video mein thodi der baad, thoda pani wani pi ke aata hu aur aap logon ke liye ek aur video fir main banata hu. Okay, lots of love, we'll catch you in the next video. Thank you so much, bye bye, take care.